नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के राइस मिल संचालक के द्वारा अवैध तरीके से बनाए गए धान के भंडारण यार्ड में पुलिस और प्रशासन ने छापेमारी करते हुए बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें लरकेनी गांव स्थित यार्ड को सील कर दिया गया है। साथ ही 7,800 बोरी कस्टम मिलिंग के लिए लाया गया था और धान और 2 ट्रक सहित पूरे यार्ड को सील कर दिया गया है। अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि यह धान मध्य प्रदेश से लाई गई थी और जिसे समिति प्रबंधकों के साथ सेटिंग कर छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में खपाने की तैयारी थी। दरअसल मामला मरवाही के लरकेनी गांव स्थित संचालित साई एग्रो राइस मिल का बताया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली कि संचालक ने राइस मिल की आड़ में अवैध तरीके से एक अस्थायी यार्ड तैयार करके वहां पर भारी मात्रा में शासकीय धान का भंडारण किया हुआ है और इसी यार्ड का कोई भी दस्तावेज संबंधित राइस मिल के पास नहीं है, जिसके बाद शनिवार देर शाम स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासक के द्वारा लरकेनी धनपुर रोड पर स्थित साई एग्रो राइस मिल के अवैध यार्ड पर प्रशासन ने दबिश देते हुए बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस और प्रशासन टीम ने अवैध यार्ड से 3,200 क्विंटल 7,800 बोरे धान जब्त कर लिए हैं। श्री साई एग्रो राइस मिल का संचालक रोड किनारे खुले स्थान पर फेंसिंग करके स्टॉक करके धान को रख कर वहां पर इकट्ठा कर रहा था, जिसकी कोई भी परमिशन नहीं थी। साथ ही सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर दिया गया था और सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार, पुलिस, राजस्व और फूड डिपार्टमेंट की टीम वहां मौजूद थी। फिलहाल पूरे धान को जब्त कर सुपुर्दगी राइस मिल संचालक को दे दी गई है और आगे की कार्यवाही के लिए जीपीएम जिला के जिला खाद्य अधिकारी को प्रकरण बनाकर भेज दिया गया है। इस कार्यवाही के अलावा जीपीएम जिले में धान खरीदी की शुरुआत में अब तक 14 प्रकरण में 630 बोरा धान और 4 वाहन जब्त किए गए हैं और इस संबंध में मरवाही तहसीलदार ने बताया है कि 7,800 बोरा धान जब्त कर लिया गया है। वहीं अग्रिम कार्यवाही के लिए जिला कार्यालय को भेजा गया है। बता दें कि गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला मध्य प्रदेश से सटा हुआ है।